नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। इस नियम को तोड़ने को लेकर लखनऊ में 2500 समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में सैकड़ों समर्थक एक वर्चुअल रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रैली को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य संबोधित किया। इस रैली के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नेताओं कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची थी। इसके बाद कार्यालय में उमड़ी भीड़ पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर ये मामला दर्ज किया गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब कहा है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे, इसीलिए पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री ने हजारों लोगों के बीच खिचड़ी खाई, इसीलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पर रोक लगाई गई है। ये पाबंदी 15 जनवरी तक जारी रहने वाली है। लेकिन शुक्रवार को सपा कार्यालय लखनऊ के बाहर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। सपा ने इसे नाम जरूर वर्चुअल रैली का दिया था, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और किसी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। इसके बाद सपा के कुल 2500 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि शुक्रवार को मकर संक्रांति थी और इस मौके पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। भीड़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की अपील भी की थी। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को उन्होंने एक दलित परिवार के घर जाकर खिचड़ी भी खाई थी। इसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि सीएम ने सार्वजनिक रूप से हजारों लोगों के बीच खिचड़ी खाई थी, इसीलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।